بسم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيت محمد أذان محترم ماہ ذلحج کی تقریباً آخری ایام ہیں. کل ہو سکتا ہے محرم کا چاند جو ہے وہ آ جائے. مجلس ویسے بھی شہید کی برسی کی ہے اور شہید مرتا نہیں ہے, شہید زندہ ہوتا ہے اور زندہ کو یاد کر کے خوش ہونا چاہیے. زندہ کو یاد کر کے انسان پشیمان نہیں ہوتا. وہ ہم ہو سکتا ہے شہید کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ اسی لیے بڑے بڑے علماء جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں, جو آیت آپ نے پیچھے دیکھی ہے جو پیناپلیکس پہ لگی ہوئی ہے اور اس سے مشابہ اور آیات ہیں کہ جس میں خدا خود اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ مردہ ہے, بل احیاء ہوں, بلکہ وہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون, اللہ کے نزدیک رزق پاتا ہے. خوب اس کا زندہ ہونا کیسا ہے, اس کا رزق پانا کیسا ہے. خوب یہ ماورائے طبیعت ہے, اسے ہم نہیں سمجھ سکتے. علماء کہتے ہیں, امام خمینی خود فرماتے ہیں کہ صرف یہی جملے شہید کے لیے کافی ہیں اور جتنے بھی قلم مادی ہوں وہ ٹوٹ بھی جائیں تو بھی شہید کے درجے کو بیان نہیں کر سکتے. خدا جس کو کہہ رہا ہو کہ وہ اللہ کے نزدیک رزق پا رہا ہے, وہ کیسا رزق ہے, کہاں سے پا رہا ہے, وہ ہم نہیں اس کو سمجھ سکتے. لیکن یہ ہے کہ شہید قوم کی حیات ہوتا ہے. حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ, امام فرماتے ہیں کہ ایک شہید
70 अपने लोगों की शफाअत करेगा, 70 लोग। आपके अपने मोहल्ले का शहीद है, जिसके अच्छे ताल्लुकात उससे होंगे कम से कम वो इस खुशफहमी में रह सकते हैं कि हमारी तो वो शफाअत करेगा। अजान मौत को ये मुस्कुराता चेहरा आज भी उसका आंखों के सामने है, जैसे गोया वो अभी भी मुस्कुरा रहा है, और यकीनन मुस्कुरा रहा है। वो ज़ाहिर है जिस अय्याम में उसे अल्लाह ने ये शहादत दी, माह मुहर्रम के अय्याम, और उस अय्याम में भी खल्क़ इंसानियत की खिदमत करते हुए, जान बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। वो ये आसान नहीं है, वह क्योंकि शहीद की मजलिस है। बहरहाल मुझे, मैं भी यही चाहूँगा कि मैं शहीद से बाहर ना जाऊँ, शहीद पे ही जाऊँ, ताकि खुदा हमें भी शहादत नसीब करे। खूब ये वो दर्जा है जिसे औलिया ने मांगा है। हर कोई ये चाहता है कि उसे शहादत शहूद से है, यानी खूब शाहिद, यानी गवाह। शाहिद के मायने क्या है? यानी गवाह है, यानी देख रहा है। वो शहादत भी ऐसा मकाम है कि जो बहुत आसानी से नहीं मिलता, और शहीद के खून का कतरा जब ज़मीन पे गिरता है, खुदा उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। और ये चंद कतरों में से जो खुदा को पसंद है ना, खुदा को चंद कतरे पसंद हैं। एक वो कतरा जो इंसान गुस्से में पी जाता है, ये जुर्रा है ना, इंसान को बड़ा गुस्सा आए तो इंसान पी जाए गुस्से को, ये खुदा को बड़ा पसंद है। एक वो जो रात की तारीकी में खौफ खुदा से आँखों से निकले, ये कतरा खुदा को बड़ा पसंद है। और एक ये खून का कतरा जो खुदा की राह में बदन से टपकता है। और जाने मोहतरम, बहरहाल इससे बेहतर और इंसान की ज़िंदगी में ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन शहीद ऐसे नहीं मिलता, शहादत हर किसी के नसीब में नहीं है, शहादत मिलती नहीं है, शहीद शहादत तक जाता है। उसकी ज़िंदगी ऐसी होती है कि शहादत खुद उसके लिए तड़पती है। जाने मोहतरम, एक शहीद उसका वसीयत नामा मेरा बेटा मुझे सुना रहा था, वो शहीद का अच्छा खासा बड़ा वसीयत नामा है। वो कहता है कि जब मैं जवान, अपनी जवानी में मैं रात की तनाई में सो रहा होता था, जब सब माशाल्लाह जवान हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बुज़ुर्ग भी बहरहाल जवान ही हैं, कि इंसान सोता है और जवानी की नींदें बड़ी भारी नींदें होती हैं, सुबह उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे भी जो रात को ज़्यादा देर जागे उसके लिए तो वैसे भी उठना मुश्किल है, और वैसे भी जवानी में उठना बड़ा मुश्किल है। तो वो कहता है कि परवरदिगार तू मुझे उठाता था लेकिन मैं करवट बदल लेता था, तू उस वक्त मुझसे बात करना चाहता था। अल्लाहु अकबर, यानी खुदा क्यों उठा रहा है? खुदा नमाज तहज्जुद के लिए क्यों उठाता है? सहर उसको क्या चाहिए? वो चाहता है कि मैं अपने बंदे से बात करूं, तन्हाई में, सरगोशी में, कोई नहीं देख रहा। तो शहीद कहता है कि परवरदिगार तू मुझे उठाता था, तू चाहता था मुझसे बात करे, लेकिन मैंने नास किए, मैं नहीं उठता। जैसे बच्चा है ना, बच्चे को बोले बेटा खा लो, तो मैं नहीं खाऊंगा, बेटे बोले कर लो, मैं नहीं करूंगा, बच्चा क्या करता? बच्चा नास करता है, बच्चा है ना। खूब इंसान भी अपने खालिक की बारगाह में नास करता है, वो उठाता है, मैं नहीं उठता। वो शहीद जब ये अपना वसीयत नामा लिख रहा था तो वो खते मुकदम पे था, यानी बिल्कुल फ्रंट लाइन पर लड़ रहा था। अब वो कहता है परवरदिगार उस वक्त मैं नास कर रहा था, अब मैं तुझसे शहादत मांग रहा हूँ तो तू नास कर रहा है, तू मुझे शहादत नहीं दे रहा, तू मुझे तड़पा रहा है, जबकि मैं जाना चाहता हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं परवास चाहता हूँ। और जाने मोहतरम, खूब ज़िंदगी ऐसी गुजारनी पड़ती है। मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, लेकिन क्योंकि बहरहाल शहीद जो है
وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہوا کیونکہ امام رضا کی اولاد میں سے ہے, رضوی سعادات ہے. ایک امام رضا کی حدیث میں آپ کی خدمت میں تقدیم کرنا چاہوں. جانو تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کی عقل سالم ہو اور عقل کمال پہ پہنچے اس کے اندر چند کوالٹیز ہونی چاہیے. میں ساری نہیں, میں بس تھوڑی سی بیان کروں گا اور ہم اس کو اپنی زندگی سے میچ کریں تاکہ ہم بھی شہادت کی طرف بڑھیں. شہادت کے لیے زندگی ایسی گزارنی پڑتی ہے جیسے اس جوان نے گزاری. وہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں گر جاؤں گا پانی میں, میں سلپ ہو جاؤں گا, نہیں دیکھا. اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا, اس نے سامنے والے کو دیکھا. خوب یہ خوبی ہر کسی میں نہیں ہے. امام فرماتے ہیں پہلی صفت کیا ہے. پہلی صفت یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس کو دیکھے, یعنی ایسے شخص کو جس کی عقل سالم ہوتی ہے, کوئی بھی اس کو دیکھے تو اس کو دیکھتے ہی اسے صرف خیر نظر آئے. یعنی جب بھی کوئی آپ کو دیکھے تو کیا بولے, اس سے اچھائی ملے گی مجھے, اس سے خیر ملے گی. ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو دیکھے کہ لو بھائی پھر مشکل آ گئی, پھر مصیبت آ گئی, نہیں. یعنی اس شخص کو اگر کوئی دیکھے تو اسے صرف یہ پتا ہو کہ اس سے مجھے فائدہ ہی ہوگا. فائدہ صرف مادی نہیں ہوتا, فائدہ معنوی بھی ہوتا ہے, مشورہ بھی ہوتا ہے. خوب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہی انسان اپنی مشکلات کو بھول جاتا ہے. خوب یہ پہلی صفت ہے. کیا یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ کیا کوئی ہمیں دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا؟ ہمارے گھر والے ہمیں دیکھ کے فائدہ دے, ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلے چیز تو وہی ہے. آپ باہر اپنے آپ کو بہت خوش رکھیں, میں یہ کام کرتا ہوں, میں وہ کام کرتا ہوں, ماں باپ راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ماں باپ راضی نہیں ہے. بعض اوقات انسان باہر لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں لگا رہتا, ماں باپ راضی نہیں, ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں, ماں باپ کو ہم اذیت کرتے ہیں. خوب کیسے ہو سکتا ہے عزیزان موت؟ خوب یہ شخصیت بنانی پڑتی ہے کہ جس سے آپ ہر دل عزیز ہوں. پہلی صفت. دوسری صفت یہ ہے کہ کوئی جب اسے دیکھے تو اس کی برائیوں سے امان میں رہے. وہ برائی ہم سب, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, اپنے آپ کو, میرے اندر برائی پائی جاتی ہے. میرے اندر غیبت ہوگی, خدا نہ خواستہ کہیں کوئی جھوٹ ہے, کوئی بھی چیز ہے, میرے اندر برائی ہے, لیکن میری برائی سے آپ امان میں رہیں, یعنی میری برائی آپ کو نقصان نہ دے. یہ دوسری صفت ہے اس شخص کے اندر. بہرحال صفتیں اور ہیں. ایک صفت یہ ہے کہ یہ شخص شہرت کے لیے کام نہیں کرتا, یہ گمنامی کے لیے کام کرتا ہے. یعنی گمنام رہتا ہے. یعنی اگر کوئی کام کمیونٹی میں کرتا ہے, کسی کی ہیلپ کرتا ہے سوسائٹی میں, محلے میں, آرگنائزیشن میں, تو یہ نہیں کہتا کہ میرا نام ہو, گمنام رہتا ہے, اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے. وہ یہ بڑے بڑے, آپ کو پتا ہے یہ گوہر, یہ جتنے بھی ہیرے, یہ ہیرا ہے, یہ ہیرے بعد میں نظر آتے ہیں, یہ پہلے نظر نہیں آتے انسان کو. کیوں؟ کیونکہ یہ گمنامی میں زندگی گزارتے ہیں. خوب یہ شہید کے, جب میں ان کے والد صاحب, جب میں پہلی دفعہ ان کی خدمت میں پہنچا, اس سال عشرہ بھی میں یہیں پڑھ رہا تھا جب یہ شہید ہوا. جب ان کے پہنچا تو ان کے والد نے بتایا کہ یہ اپنے آخری ایام میں اس نے اپنی چھوٹی سی ڈائری بنائی ہوئی تھی, اور اس ڈائری پر یہ اپنی پرانی نمازیں جو اس کی قضا تھیں ان کو پورا کر رہا تھا. اللہ اکبر. ہم میں سے کتنوں کو فکر ہے کہ اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں؟ ہم میں سے کتنوں کو فکر ہے کہ ہم اپنے قضا روزے رکھ لیں؟ البتہ یاد بھی ہیں کہ نہیں ہے یہ بھی نہیں بتا ہم لوگوں, لیکن وہ اپنی اس جوانی میں اپنی نمازیں پوری کر رہا تھا. گویا وہ جانتا تھا میرا اگلا سفر شروع ہونے والا ہے, تو میں اپنا بوجھ کندھوں کا ہلکا کر لوں. عزیزان محترم, وہ یہ گمنامی ہے. شہید, اتنے بہت سارے شہید ہیں, اور کئی شہید ایسے ہیں کہ جو گمنام ہیں,
उनका नाम नहीं पता। चंद एक साथ मरकद शोहदा के तेहरान में एक जगह पे चार पांच कब्रें, सब पर गुमनाम लिखा हुआ, गुमनाम थे। उनका नाम नहीं पता क्योंकि बॉडी के पूरे पार्ट्स नहीं मिले, पता नहीं चला किसके हैं क्या है, नहीं पता, तो गुमनाम करके दफना देते हैं। तो एक माँ का बच्चे, उसकी बॉडी नहीं आई थी, उसने बहुत गिरिया किया, बहुत गिरिया, इतना गिरिया किया कि उसके ख्वाब में उसको बताया गया कि कौन सी गुमनाम कब्र तुम्हारे बेटे की है। वहाँ गए, उन्होंने डीएनए टेस्ट किया तो कहा कि इसी की औलाद है। तो उसकी कब्र पे जो गुमनाम लिखा हुआ था वो हट गया, उसका नाम आ गया। तो वो अपनी माँ के ख्वाब में आया, कहा माँ ये कितना बड़ा जुल्म किया तुमने, जब तक हम गुमनाम थे हमारी कब्रों पर सैयदा आती थी। अल्लाह, मगर गुमनामी में नाम नहीं है क्या? असल तो नाम गुमनामी में है। जिनकी अपनी कब्र मरकद गुमनाम हो, किसी को नहीं पता ना, बीबी की, बीबी का किसी का। पिछले दिनों ईरान सऊदीया के हालात अच्छे हुए तो लड़के को व्हाट्सएप चला रहा है कि बीबी का जो है वो रोज़ा बनेगा। बीबी का रोज़ा कहाँ बनेगा? जन्नतुल बकी बने इंशाल्लाह, जल्दी बने, लेकिन बीबी का रोज़ा किसी को नहीं पता क्योंकि बीबी का असल गुमनामी है। यही तो एहतजाज है कि एक रसूल की बेटी है और उनका मरकत कहाँ है किसी को नहीं पता। वो मगर वो सैयदा सारे गुमनामों की कब्रों पे आते हैं अजान। वो गुमनामी एक खूबसूरत सिफत है, जबकि आज का मादी माशरा, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बिल्कुल इसके अपोजिट है, बिल्कुल इसके अपोजिट। हर कोई चाहता है इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स हों, यूट्यूब पे मेरे फॉलोअर्स हों, मुझे सिल्वर प्लेट कब मिलेगी, गोल्डन प्लेट कब मिलेगी, हर कोई इसी भाग दौड़ में है। कितनों ने मेरी मजलिस देखी, कितनों ने मेरी मजलिस सुनी, हम इसी भाग दौड़ में हैं। कितनों को असर हुआ किसी को फिक्र नहीं है। मुझे खुद को कितना असर हुआ मुझे भी नहीं पता, मैं भी रोज़ यही चेक करता हूँ। मिलियन फॉलोअर्स हो गए, मिलियन ने देख लिया, लोगों ने कमेंट क्या किया, ये क्या है, दुनिया है अजान। मैं ये नहीं कहता कि मीडिया पे काम ना करें, काम ज़रूरी है, लेकिन शोहरत चाहिए या गुमनामी चाहिए? खूब नाम तो खुदा दे ही देता है, लेकिन खुदा की बारगाह में नाम चाहिए या दुनिया की बारगाह में नाम? वो कमाल वो है जन, रिवायत है कि जिस घर में रात को कुरान की तिलावत होती हो वो घर आसमान वालों के लिए तारों की तरह चमकता है। खूब ये शोहरत, ये रोशनी हो ना मेरे घरों में, तो फिर तो कमाल है। वो देखें, दुनिया देख के क्या करें, ख़ास तौर पे जवान आप बैठे हैं जाने मोहतरम, खूब ये जवानी में आपको डिसाइड करना है कि अगर खुदा के लिए काम करना है तो फिर गुमनाम होना चाहिए। यानी इंसान काम करे नाम के लिए नहीं, सिर्फ खुदा के लिए। और ये आसान नहीं है, ये सिफत आसान नहीं है जाने मोहतरम। खूब इसी को शहीद अपनी ज़िंदगी में उजागर करता। शहीद जब जिंदा होता है तो वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजार रहा होता है। जब वो ज़ाहिर चला जाता है तो फिर इंसान को पता चलता है कि उसने क्या क्या किया, किस तरह किया। और शहीदों के भी दर्जात हैं, हर शहीद अपने दर्जे के हिसाब से जाता है। और जब वो दुनिया से जाता है तो फिर शोर गूगान जो मचता है वो दिलों को हिलाता है। मैं समझता हूँ कि ख़ासतौर पे आप, ख़ासतौर पे इस मोहल्ले के जवानों के लिए, स्काउट के, ISO के, जितने भी बहरहाल यहाँ पे लोग जवान काम करते हैं, खुद मेरे अपने इज़ाद के लिए, खूब ये शहीद मशाल राह है कि हम भी अपनी कम्युनिटी में, सोसाइटी में अपना किरदार अदा करें। कोई भी काम हो अजान मोहतरम, बाज़त हम शिकवे ज़्यादा हैं, गिले ज़्यादा हैं हमारे पास, ये ऐसा नहीं है, मस्जिद में ये नहीं है, गली में ये नहीं है, मोहल्ले में ये नहीं है। खूब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद कुछ काम करूँ, अपनी गली मोहल्ले को बेहतर कर लूँ। मजलिस आज़ादारी मुहर्रम शुरू हो रहा है, मैं अपना किरदार अदा करूँ।
ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास कोई पोस्ट हो, मैं वॉलंटियरली पेश करूँ अपने आप को, कम से कम इस शहीद से रिश्ता जो है मोहल्लेदार होने का, उसको तो निभाऊँ, ताकि ये शहीद 70 में हमारी भी शफात करे। जाने हमें नहीं पता वो आलम बहुत सख्त है, आसान नहीं है, कब्र आसान नहीं है, रोज़े महशर आसान नहीं है, सिरात आसान नहीं है, मेज़ान आसान नहीं है। अब क्योंकि हमें बयान नहीं किया जाता तो हमें लगता है हम बड़े आराम से गुजर जाएंगे। गुजर जाएगा, वो गुजरेगा जिसने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार दी हो, वो गुजरेगा। मैं एक शहीद जो कि अपने प्रोफेशन में बहुत हाई था, शहीद हो गया, एक आलिम उनके वालदैन से मिलने गए, क्योंकि भारत आलिम भी निगाह रखते थे बहुत दूर की, तो कहा कि कयामत में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके बदन से नूर निकलेगा, क्योंकि कयामत में सूरज नहीं है, रोशनी नहीं है, आपको पता है अंधेरा है, लेकिन उनके बदनों से नूर निकलेगा और बहुत सारे लोग उस नूर में उस रास्ते को तय करेंगे। कहा आपका बेटा ऐसा शहीद है कि जिसके बदन से नूर निकलेगा। खूब ये नूर इसी दुनिया में समेटना है। गो के दुनिया में मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, फसाद है, गुनाह है, सब इसी दुनिया में है, इम्तिहान आजमाइश इसी दुनिया में, लेकिन यही आजमाइश आप देंगे तभी तो कयामत में फिर नूर निकलेगा आपसे। शहीद हादी कि जिसकी उर्दू में भी किताब हो चुकी है कई दफ़ा, उसका बदन बहुत चुस्त था, जैसे आजकल जवान, अभी आजकल तो जवान बॉडी वॉडी भी नहीं बनाते, पता नहीं किन चक्करों में मोबाइलों में लगे रहते हैं। बंदा को वर्जिश करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उसकी क्योंकि वो स्पोर्ट्स खेलता था तो उसने जिस तरह एक जवान कपड़े पहनता है उस तरह पहना हुआ, उसकी तवज्जो नहीं थी, तो देखा कि वो अपने दोस्तों के साथ था, तो दोस्तों ने कहा कि देखो किस तरह लड़कियों की निगाह तुम्हारे बदन पे पड़ रही है और कह रही हैं कि कितना खूबसूरत है। उसको इतनी शर्मिंदगी हुई कि उसने दूसरे दिन से ढीले कपड़े पहनना शुरू कर दिए, यानी इफ़त और पाक दामनी सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है, कि वो अपने आप को पाक रखे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आपके सामने है कि किस तरह मिस्र का पूरा बाजार, मिस्र की ख़वातीन हज़रत यूसुफ पर, लेकिन हज़रत यूसुफ़ ने क्या कहा, कहा परवरदिगार मुझे इससे बेहतर है तू जिंदान में भेज दे। और ये क्या है, यानी इंसान अपने आप को बचा रहा है। खुद क्या मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, क्या मैं आज माशरे में गुनाहों से बच रहा हूँ या नहीं बच रहा। अज़ाने मोहतरम आज दुश्मन शनासी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें दुश्मन शनासी बयान नहीं की जाती कि दुश्मन कौन है, हमें बताया नहीं जाता। बाज़ औक़ात बताया भी जाता है तो एक दो नाम बताए, हमने भी नारे मारे और घर चले गए। दुश्मन की स्ट्रैटेजी क्या है, दुश्मन चाहता है कि इन जवानों के अंदर से इनके नफ्स को ख़राब कर दे। तो ये बहरहाल तरबियत होती है जाने मोहतरम। खूब बहरहाल इंसान फिक्र तफक्कुर नज़रियात से पहचाना जाता है। खूब आपका तफक्कुर आपके फिक्र क्या है, जवान आज का उसकी सोच क्या है, वो क्या चाहता है, और जो करबला को मानने वाला जवान हो उसकी सोच क्या होनी चाहिए। लेकिन उस सोच तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सफ़र करना है। जब हम भी नए नए हौज़े इल्मिया में गए तो हम भी बड़े खून गरम, हमने भी अपने उस्ताद से कहा, उन्होंने बोला भाई क्या करने आए हो, बोला शहीद होना है, बोला पहले कुछ कर तो लो फिर उसके बाद शहीद होना। बात यही है कि उस शहादत तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना भी तो है। ऐज़ान-ए-मोहतरम सबसे पहली चीज़
जिसके पास जाना है उससे रابطہ तो अच्छा करें। दुनिया से रابطے अच्छे कर रहे हैं आप, ज़रा सी देर के लिए इंटरनेट बंद हो जाए आपका, मौत वाकया हो जाएगी, पैकेज ख़त्म हो जाए इंसान के मोबाइल में। क्यों? रابطہ ख़त्म हो गया, कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई। करोड़ों का बिज़नेस तो हमारा ही चल रहा है, क्योंकि अगर थोड़ी देर भी इंटरनेट नहीं चलेगा बंद हो जाए। लेकिन वो कि जिसके पास सब कुछ है, जिसका सब कुछ है और जिसकी बारगाह में हमेशा रहना है, उससे रابطہ कितना है। उसने हमें तो मौका दिया हुआ है कि मैं रोज़ 5 टाइम सिग्नल ट्रांसमिट करता हूँ। 5 नमाजें हैं ना, 5 नमाजें क्या है? नमाज यही है कि हम अपने परवरदिगार से बात करें। वो जब आवाज़ आती है अजान की, हैया अलस्सला हैया अलल्फला, ये क्या है? ये सिग्नल आ रहे हैं ना कि आओ बात करो। लेकिन क्या मैं बात कर रहा हूँ उससे, और वाकयन बात कर रहा हूँ? यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप किसी और से बात कर रहे हो, कितना बुरा लगेगा? एथिकली बुरा है, इखलाकी तौर पे भी बुरा है। मुझे खुद कभी कभी एहसास होता है, घर में होता हूँ, बच्ची मुझसे बात कर रही होती है लेकिन हम फ़ोन पे जवाब दे रहे होते हैं, बुरा लगता है। मुझे ही पता है कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं सुन रहा हूँ। हमें तो इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, वॉइस नोट भी मल्टीप्लाई बाय 2 पे सुनते हैं, कितना ज़्यादा। अब किसको रिप्लाई करना है? आप लोगों को जवाब ना दो तो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि मौलाना साहब जवाब नहीं दे रहे हैं। वह जाने मोहतरम, खूब मैं खुद बुरा महसूस करता हूँ कि जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मुझे ध्यान ना दे, मैं बुरा मानता हूँ। गो के वो रहमान है, हर नमाज में, मैं आपकी नमाज नहीं, मैं अपनी नमाज बता रहा हूँ, हर नमाज में मेरा ध्यान कहीं और है, फिर भी वो मुझे हर नमाज में बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, अगली सही पढ़ लेना, उसकी अगली सही पढ़ लेना। अज़ाने मोहतरम, वो अपनी बारगाह को खोले बैठा है, उसके दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है, बंद नहीं है। मैं कोताही करता हूँ, खूब ये रابطہ कैसे बेहतर होगा? इस रابطے को बेहतर करें। जिसने इस रابطے को बेहतर कर लिया वो शहादत की ज़िंदगी गुजारता। खूब शहीद, जाने मोहतरम, शहीद आप पीछे शहदा की तस्वीरें देखते हैं, शहीद आरिफ हुसैनी, शहीद डॉक्टर नकवी। शहीद डॉक्टर नकवी खुद फरमाते हैं कि जिस रास्ते का हमने इंतखाब किया है वो रास्ता शहादत की तरफ जाता है, रास्ता ऐसा है। अब मेरी ज़िंदगी में खौफ, खौफ किस चीज़ का है? लॉस्ट यानी खो जाने का गम, किस चीज़ के खो जाने का गम? क्या चीज़ है आपके पास जो आपको खौफ है? जब इंसान के पास चीज़ें होती हैं, खो जाए, अभी इंसान के पास मोबाइल होता है जो कराची में सबसे ज़्यादा चोरी हो जाता है, ये तो अब इंसान यूज़ टू हुआ है, भाई ऐसे ले जाओ और दे दिया करें। अभी पिछले दिनों वो जवान हमारा, बहरहाल वो अभी तक वाजे नहीं हुआ, जो सलाम मरसिया नवीद जो है वो पढ़ता था, और वो यकीन गालिबन ज़ाहिरन तो यही है कि जो है वो किसी तरीके से स्नैचिंग थी या क्या थी, लेकिन बहरहाल वो भी सलाम मरसिया पढ़ने वाला था और खुदा ने उसे बहरहाल वो भी एक दर्जा है, खुदा ने उसको उसके दर्जात को बुलंद फरमाए। लेकिन अज़ाने मोहतरम, इंसान को खौफ है ना, खौफ है। सबसे कीमती चीज़ क्या है इंसान की? अब आप बोलेंगे भाई सब ले लो मुझे छोड़ दो, ये सबसे कीमती है ना, सब चीज़ें दोबारा आ जाएंगी, जान दोबारा नहीं आएगी। अब जिसको जान का खौफ हो वो शहादत कभी भी नहीं हासिल कर सकता, नहीं हासिल कर सकता। वो एक जवान करबला में शहीद-उश-शहदा की खिदमत में आया, 13 साल का जवान, कहा मौला मुझे इजाज़त दे, कहा नहीं तुम्हारे बाबा शहीद हो गए, तुम अपनी माँ के पास जाओ। कहा मेरी माँ ने ही मुझे भेजा है। क्यों? वो एक माँ ने अपने शौहर को तो दे दिया, खूब एक जवान था। नहीं, यहाँ रखना नुकसान है, दे देना फायदा है। खूब ये जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक कहीं नहीं पहुँच सकते।
जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा, इमाम के रास्ते पर जान देना जिंदगी है, हयात है, तब तक करबला नहीं पहुंच सकते आप। वैसे भी कल हो सकता है पहली हो जाए, परसों पहली हो जाए। करबला जाहिर में ज़रूरी है, आप इमाम बारगाह को काला करें, परचम लगाएं, अज़ादारी अज़ाखाने सजाएं, ज़रूरी है, लेकिन असल तैयारी आपके बातिन की है। क्या आप अपने अंदर से करबला जाने को तैयार हैं या नहीं हैं? क्या आप अपनी कीमती चीज़ों को कुर्बान करने को तैयार हैं कि नहीं हैं? जो छोड़ कर करबला नहीं जाएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। आपके सामने जितने लोग शहीद-उश-शुहदा के पास आए हैं वो अपना सब कुछ छोड़ कर आए, लेकिन क्या पाया उन्होंने? वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अपने जुमले जो दुआए अरफा के अंदर कि परवरदिगार जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया, और जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया। खूब कहाँ हमारी ज़िंदगी में खुदा किधर है? आयतुल्लाह अज़मा बेहजत फरमाते थे कि अगर तुम्हें खुदा के वजूद का एहसास हो जाए तो तुम कभी भी गुनाह नहीं करोगे, नहीं करोगे। खूब आज दुनिया जवान का सॉफ्टवेयर चाहती है, हार्डवेयर नहीं चाहिए उसे, सॉफ्टवेयर चाहिए। आप मस्जिदों में हो, मातम में हो, जुलूस में हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जहन कहाँ है? आज पूरी दुनिया इसी पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में अगर कोई शहादत पाए तो कमाल है, कमाल। या लैतनी कुंतु माकुम फाफूजो फौजन अजीमा, काश हम भी आप लोगों के साथ होते तो हम भी कामयाब हो जाते। आज अगर आप अपने आप को इतना टेक्नोलॉजी में ऊपर ले जाएं, दुश्मन आपको शहीद कर दे, वो उसके पास आखिरी ऑप्शन यही है। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, जितने बड़े बड़े लोग आपके सामने हैं, दुश्मन अपनी आखिरी नहज पे जब पहुंच जाता है तो फिर ऐसे करता है उसको जाने मौत। वो आज ऐसा नहीं है कि आप बोलें जी पुराने ज़माने में शहादत मिल सकती थी, हम तो मॉडर्न ज़माने में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आज कैसे शहादत मिलेगी? शहादत हर वक्त खुली हुई है आपके सामने। शहीद जहाद मुगनिया, शहीद मोहसिन हुज्जाजी जवान थे ना, जवान है, कितना खूबसूरत जवान है। बंदा रश करता है जब इनकी तस्वीरों को देखता है, कितनी खूबसूरत जवानी है। 32 साल का जवान आज के इस दौर में, मॉडर्न दौर है, इस मॉडर्न दौर में कटे हुए सर, कटे हुए शहीदों का सरदार हो गया 32 साल का जवान। जाने आपके सामने अभी बारा चनार में शहादत अभी बाकी। अब इंसान अपने आप को, अब ये तो वो जहाद है जो बहरहाल ज़ाहिरी जहाद, लेकिन इसके अलावा इल्मी जहाद, अमली जहाद, रिसर्च का जहाद, खूब इसको, ये भी तो जहाद ही है ना। जहाद के मायने क्या हैं? जहाद के मायने सिर्फ तलवार से नहीं है, जहाद के मायने कोशिश के हैं, स्ट्रगल के हैं। खूब आप कोशिश करें, आप स्ट्रगल करें, इल्मी मैदान में करें। आज हमारे इमाम को किस चीज़ की ज़रूरत है, हम उस चीज़ को पेश करें। इमाम की हकूमत में हम सुनते हैं बस तलवारें होंगी, घोड़े होंगे, ऐसा ना मतलब ऐसा नहीं है। इमाम के दौर में, इमाम की हुकूमत में बिल्डिंगें भी बनेंगी, गाड़ियां भी बनेंगी, रोड्स भी बनेंगे, कम्युनिकेशन भी होगी, पोल्यूशन भी ख़त्म होगी। खूब हम अपने आप को कहाँ लेके खड़े हुए हैं आज? आज हम आपके सामने हैं, आज इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर हमारा जवान कहाँ है? कितने लोग आज बेस्ट यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने इंजीनियर हैं हमारे पास, कितने हमारे पास डॉक्टर्स हैं? खूब ये कौन करेगा? इमाम की हुकूमत में आप क्या करेंगे मुझे बताएं, आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है? मैं इमाम की हुकूमत में, इमाम में, अब देखें, हमें करबला का सवाल हमसे नहीं किया जाएगा, हमसे तो ये पूछा जाएगा ना आज के दौर में तुमने इमाम के लिए क्या किया। इमाम की हुकूमत कूफा में होगी,
तो कूफा के लिए हमारे जहन में क्या है, क्या कूफा को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? ये जब तक हम सोचेंगे नहीं तो हम कहाँ खड़े हैं, हम कैसे पहुँचेंगे? हम तो खुद फंसे हुए हैं अपने करीबी रिश्तों में, अपने नफ्स में, अपनी ख्वाहिशात में, छोटी छोटी ख्वाहिशात, छोटी छोटी एक तस्वीर जवान के ईमान को ख़राब कर दे, खुद वो तो बहुत कमज़ोर है। एक टेक्स्ट मैसेज ईमान को तजलजुल में कर दे, ये क्या है? इसका मतलब है कैसे खड़ा होगा ये इमाम की हुकूमत में? मजबूत चाहिए, और ये मजबूती नहीं मिल सकती जब तक रात के सजदे ना हो, नहीं मिलेगी जनाब। जब तक आप तनहाई में खुदा को सजदा नहीं करेंगे, नहीं हो सकता। खूब यही तो वो खूबसूरती है, यही तो चीज है जो दुश्मन नहीं चाहता कि ये जवान खुदा की इबादत में खड़ा हो, इससे गुनाह कराओ, इसको पछतावा हो कि ये सोचे कि मैं सुबह कैसे खड़ाऊंगा, मैं तो रात को ये किया था। हो आप उसी के अपोजिट जाएं। खुदा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, मायूस ना हो, मायूस ना हो। मैं आप एक दूसरे को दूर कर सकते हैं, खुदा अपने बंदे को दूर नहीं करता, खुदा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, और उसकी मोहब्बत ऐसी है जाने मोहतरम, जिससे खुदा की मोहब्बत मिल जाए फिर दुनिया की मोहब्बतें उसे कुछ नहीं कर सकती। इस मोहब्बत को ढूंढें बस। बरहाल मैं ज़्यादा आपको मुज़ाहिम नहीं होगा जाने मोहतरम, करबला इसी मोहब्बत की दास्तान है कि जिसकी खाक भी अगर बदन पे लग जाए तो जहन्नुम से बचा लेती है। यानी आप सोचें कि कितनी इश्क कमाल पे पहुंचा हुआ है कि जायर के पाँव की खाक अगर कहीं बैठ जाए तो जहन्नुम की आग से बच जाता है। आयतुल्ला बुरुजर्दी रिजवानुल्लाह ताला अलैह की आँखों में तकलीफ थी, बहुत तकलीफ थी, तो डॉक्टर ने उन्हें बहरहाल मना किया हुआ था, तो अय्याम आज़ाद थे तो वहाँ लोग कपड़ों पे मिट्टी लगाते हैं 9-10 मुहर्रम को और निकलते हैं, वो खाक, वो जो खाक ज़मीन पे गिरी हुई थी उन्होंने उस मिट्टी को उठाया और अपनी आँखों पे लगाया और आँखों को शिफा मिल गई। ये हुसैन अज़ाने वादर, कितना बड़ा ख़ज़ाना है हमारे पास। हम पूरा साल कुछ भी नहीं करें, बस एक मजलिस में आ जाएं, बस फिर हुसैन जाने और हुसैन का रब जाने, हजारे अब इस नेमत को समझें, इस मजलिस, इस आज़ादारी को वसीला बनाएं अपने वक्त के इमाम तक पहुंचने का। करबला हर साल यही दावत दे रही है कि जो हुसैन के मानने वाले थे वो करबला आ गए, तुम हुसैन ज़मान के मानने वाले हो, तुम अपने इमाम के कितने करीब हो। बस अज़ाने मोहतरम, वो यूसुफ़ ज़हरा तन्हा है, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। मेरी ज़िंदगी, मेरी आँखें अब बीनाई कम हो रही है, बुढ़ापे की तरफ इंसान जा रहा है, मगर ये शिद्दत, ये तड़प वजूद में है। मौला, क्या मेरे मरने से पहले आप आएंगे? ये अंदर से आवाज़ आए, या मेहदी अदरकने। खूब ये बहुत ज़रूरी है ऐसा मौला। आयतुल्ला तकी बाफ़की कहते हैं कि मैं इराक से जो है वो ज़मीन के रास्ते ईरान आ रहा था, इलाम में रोड बहुत कर्व में है और सर्दी और बर्फ़बारी, रात हो गई तो मैंने कहा कि यहीं कहीं रुक जाऊं, तो मैंने देखा कि कहवा खाना है, मैं वहां रुका, लेकिन अंदर गया तो वहां पर उबाश और ऐसे लोग बैठे हुए थे, उनकी गुफ्तगुएं बहुत अजीब सी थीं, तो मैंने देखा बाहर दरख्त के साए के अंदर, दरख्त के नीचे एक नूरानी सी शख्सियत बैठी है।
मुझे उन्होंने मेरे नाम से पुकारा, कहा कि तकी इधर आ जाओ, वो जगह तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। मैं आ गया, सारी रात गुजर गई, मुझे सर्दी का एहसास नहीं हुआ। फजर हुई तो कहा कि चलो नमाज है, मैंने उनके पीछे नमाज पढ़ी। जैसी हल्की हल्की रोशनी फूटने लगी तो मैं उनके साथ चलना शुरू हुआ। मुझे ये एहसास हो गया, अज़ाने मोहतरम, ये एहसास होता नहीं है जब तक वो चाहे नहीं। वो कहते हैं मुझे एहसास हो गया, ये कोई और नहीं, ये मेरे वक्त का इमाम है। खूब, ये जब तक इमाम ना चाहे कोई पहचान नहीं सकता। आपके बराबर में इमाम बैठे हों, जब तक इमाम ना चाहें आप नहीं पहचान सकते। काश हमारे अंदर वो ताकत आए, हम अपने इमाम को पहचानें। अज़ाने मोहतरम, खूब ये बड़ा दर्द है कि हम अपने इमाम को पहचान नहीं रहे। फिर जैसे ही उन्होंने पहचाना तो इमाम ने कहा अब तुम मुझे पहचान गए हो तो अब हम तुमसे रुख्सत लेते हैं। कहा मौला मैं फिर आपको कब देखूँगा? कहा तुम कुम जब आओगे तो वहाँ तुमसे मुलाकात होगी और सब्जावार में भी तुम मिलोगे, हम तुमसे दो जगह का कहा चले गए। ये बड़े शौक से, मोहब्बत से, एक तड़प से कुम पहुँचे। तीन दिन कुम में रहे मगर इमाम से मुलाकात, बड़ा दिल टूट गया कि इमाम ने तो कहा था। जैसे ही सब्जावार पहुँचे, अभी इसी सोच में थे कि मैं इमाम को देखूँ तो हाथ आया और देखा कि इमाम है। कहा मौला आपने तो कहा था कुम में मिलेंगे मगर मैंने कुम में आपको नहीं देखा। तो इमाम फरमाते हैं हरम से बाहर जब एक खातून तुमसे एक मसला पूछ रही थी और तुम सर झुकाए खड़े थे, हम तुम्हारे बराबर में खड़े थे। अल्लाह अकबर, मुझे नहीं पता मैं न जाने कब कोई गलती कर रहा हूँ, मेरे बराबर में मेरा इमाम खड़ा हो। अज़ाने हूँ मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे क्या कहूँ। शहीद की मजलिस है, मैं झूठ भी नहीं बोल सकता, शाहिद है, गवाह है, जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, मेरी आँखें बहुत शर्मिंदा, मेरे अल्फाज शर्मिंदा हैं। मैं तो इसी शहीद से तवस्सुल कर कि क़यामत में शफ़ात करना, कुछ नहीं तो बहरहाल कुछ तो करना हमारे लिए। जाने मौत, खूब इमाम तक पहुँचना ये तड़प ज़रूरी है। जाने मौत, करबला में जो इमाम तक पहुंचा है उसने अपनी तड़प को इजहार किया। बस चंद जुमले और आपसे इल्तमास दुआ, अज़ीज़ाने मोहतरम, शहादत आसान नहीं है। दिफा मुकद्दस में एक जगह पर एक ऐसा मकाम था जहां पर कुछ को खारदार तारों से गुजर के जाना था और जो जाएगा वहां पर जो है वो माइंस लगी हुई हैं, वो फट जाएंगे। तो कुछ को अपनी जानों का नजराना देना था। अब हर कोई चाहता, अल्लाह अकबर, सईदुश्शोहदा ने कैसा रास्ता बनाया है कि हर कोई दौड़ दौड़ के जाना चाहता है। सब ने कहा हम जाएंगे, नहीं कहा ऐसे नहीं होगा, कहा कुरानदाजी होगी, कुरानदाजी होगी। कुरानदाजी की गई तो शहीद का नाम आया, वो गया शहीद हो आया। जब उन्होंने बाद में पर्चियों को देखा तो सब में उसी का नाम लिखा हुआ था। अल्लाह, को ये तड़प चाहिए ना। खूब अज़ीज़ाने मोहतरम, आइए ग़ुलाम हुसैन से मुत्तसिल होते। मुहर्रम में जा रहे हैं ना, इस ग़ुलाम को याद करें, शायद अरबाब तक दरवाज़ा खुल जाए। जब सब चले गए तो ये भी आया, मौला मुझे भी जाने दे। इमाम ने कहा जॉन जाओ, तुम आज़ाद हो, तुम चले जाओ। तो जॉन ने क्या कहा, मौला आप मुझे जाने नहीं दे रहे इसलिए कि मेरा रंग स्याह है, मेरे बदन से खुशबू नहीं है, मेरा हसब नसब
आपसे मिलता नहीं है। अल्लाह अकबर, करीम की बारगाह में कोई इस तरह कह दे तो फिर क्या होगा? हुसैन से बड़ा कौन करीम है जाने मोहतरम। बस ये कहना था, आगे से मेरे मौला ने क्या कहा, जौन जाओ, खुदा इसके चेहरे को नूरानी कर दे, इसके बदन को मुअत्तर कर दे, इसके हसब को हमारे नसब से शुमार कर। बस आजादार ने मोहतरम जौन गया। हम तो जौन के कदमों की खाकों की खाक भी नहीं मौला, हम गुनाहगार सही, खताकार सही। ए हुसैन के बेटे, हम भी आपकी राहों में इंतजार में, गो के गुनाहगार हूँ, मेरे बदन भी मुअत्तर नहीं है, मेरा हसब नसब भी इतना अच्छा नहीं। ए हुसैन के बेटे, हमारी भी इस कुर्बानी को कबूल करें। हाँ आज़ादार ने मोहतरम, बस जौन गिरा है। और बहरहाल एक और गुलाम के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी गिरा, तो उसी हालत में उसने क्या देखा, दश्ते करबला, गर्मी की शिद्दत, प्यास की शिद्दत। मगर वो गुलाम महसूस करता है कि कोई कालों में गर्माहट हो रही है। उसकी आंख खुली तो उसने क्या देखा, देखा कि हुसैन इब्ने अली अपने रुखसारों को मेरे रुखसारों पे रखे हुए। कितना खुशकिस्मत अपने आप को तसव्वुर किया कि कहाँ गुलाम कहाँ अरबाब। मैं कहूँगा जॉन, अगर तुम कुछ देर जिंदा होते तो देखते एक जवान अली अकबर का बदन होगा, यही रुखसार रुखसारों पर होंगे, न जाने क्या गुफ्तगु होगी और हिचकियाँ आएंगी, अली अकबर की रूबर आवाज करेगी और फिर यही आपका हुसैन इब्ने अली कहेगा, ए बनी हाशिम के जवानों आओ, अली अकबर के बदन।